प्यारे मित्रों, आज हम जो जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वह जानकारी हर क्षत्रिय वीर अहीर यदुवंशी युवा के लिए प्रेरणादायक व गौरवान्वित करने वाली है। आज हम आपको हरियाणा के उन चंद गांवों के बारे में बताएंगे जो अपनी वैदिक कालीन क्षत्रिय परंपरा, जैसा कि वीर अहीर एकमात्र वैदिक क्षत्रिय माने गए हैं, उसी वैदिक क्षत्रिय परंपरा का निर्वहन आज भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ नारायणी सेना के अवशेष होने के कारण नारायणी सेना की युद्ध प्रवृत्ति को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। इंडियन आर्मी डे 2021 पर अखबारों व टीवी चैनल्स पर एक खबर चली और वह खबर वीर अहीर यदुवंशियों के लिए बड़ी गौरवान्वित करने वाली रही। ये खबर थी हरियाणा के हिसार जिले के 3 यदुवंशी अहीरों के गांवों की। बता दें आपको कि ये गांव हैं जमावड़ी, ढाणा खुर्द व ढाणा कला, जिसमें वीर अहीर कौम निवास करती है। इन गांवों के समूह को संयुक्त रूप से मिनी अहिरवाल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये गांव मूल अहिरवाल से 70 किलोमीटर दूर हिसार जिले में स्थित हैं और इन गांवों को वहां पर अन्य जाति के लोग श्री कृष्ण की सेना के नाम से पुकारते हैं। इन तीनों गांवों से भारतीय सेना में सबसे ज़्यादा सैनिक कार्यरत हैं तथा यहां के वीर क्षत्रिय अहीर अपनी महाभारतकालीन वैदिक क्षत्रिय परंपरा को आज भी जीवित रखे हुए हैं एवं ये वीर अपने आप को नारायणी सेना के अवशेष मानते हैं और समाज के अन्य तबके भी इनको नारायणी सेना के अवशेष मानकर इनका बड़ा सम्मान करते हैं। ऐसा रुतबा है हरियाणा के राव साहबों का, वीर अहीरों का। मैं समझता हूँ कि ये खबर हर यदुवंशी के लिए, हर वीर अहीर के लिए, हर यादव के लिए बड़ी ही गौरवान्वित करने वाली है, वह प्रेरणादायक है। और मैं सुनने वाले भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस खबर को हर यदुवंशी युवा के साथ पास पहुँचानी चाहिए ताकि वो प्रेरणा लें इन गाँवों से और अपनी वैदिक कालीन क्षत्रिय परंपरा को जीवित रखने का के प्रति कृत संकल्प हो। जय हिंद, जय भारत, जय यादव, जय माधव। जग
विजेता है, विजेता है, युग युग के नौकर लेता है। श्रेष्ठ आयाति कुलभूषण कुल कमल कृष्ण अंशन, यदुवंशन 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 यदुवंशन। विजेता है यदुवंशन यदुवंशन, जग जेता है विजेता है, युग युग के नौकर लेता है। कुलभूषण कुल कमल कृष्ण अंशम यदुवंशम यदुवंश।